असल माय डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्लास एट्थ चैप्टर एंड पेज नंबर इज सेवनटी थ्री प्लीज टर्न आउट द पेज नंबर सेवनटी थ्री एंड आवर मेन टॉपिक इज टुडे व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे हम कहते हैं फिर हम इसका रोल देखेंगे जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से एक एफ जो है लॉज की जाती है किस तरह से एफ के लिए क्या क्या करना पड़ता है कैसे उसका चार्ज शीट जो है किस तरह से पुलिस स्टेशन में उसको फिलअप करना है तो वो आपने लास्ट लेक्चर में देखा आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है अगर आपने पढ़ा जैसे शांति का केस हमने पढ़ा कि शांति जो है एक फ़िक्शनल केस स्टोरी हमने पढ़ी कि किस तरह से शांति पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कोफेंस किया है उसने चोरी की है तो किस तरह उसको जो है कोर्ट में जो इंसाफ मिला है किस तरह उसने उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मदद से जो है वो उसको इंसाफ मिला तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली बोलते लॉयर को जिसको हम वकील कहते हैं जो गवर्नमेंट लायर होता है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं आपने देखा कि शांति जो है एक गरीब औरत थी उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एक वकील को एक लायर को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक प्राइवेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हायर करती तो उसको गवर्नमेंट ने हेल्प की उसको यहाँ से ही उन्होंने प्रोवाइड किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उसका केस जो है वो लड़े गए तो आपने देखा किस तरह से क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिकार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग आप कोई भी चाहे कोई भी जुर्म हो कोई भी जो है गुनाह हो चाहे मर्डर हो रेप केस हो या चोरी का चोरी का केस हो तो या मर्डर का केस हो तो वो केस सिर्फ उस बंदे के लिए जिस का मर्डर किया है एक तो उसका नुकसान है उसमें उसका मर्डर किया उसके साथ गलत हुआ है लेकिन सिर्फ ये एक ही पर्सन के लिए गलत नहीं होता है ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए जो है ये रॉन्ग चीज़ है ये सोसाइटी पूरी पूरी पब्लिक के लिए जो है ये गलत बात है कोई भी क्राइम जो है अगर कहीं पर होता है वो स्टेट के लिए वहाँ की पब्लिक के लिए वहाँ की सोसाइटी के लिए जो है वो रॉन्ग बात है तो इस तरह से हम देखेंगे वट इज़ मैन बाय दिस if that is considered to have been committed not only against the affected victim but against the society as a whole kya the iska matlab kya hai agar koi koi offense karta hai to wo sirf ek person के लिए ऑफेंस नहीं होता पूरी सोसाइटी जो है उसके लिए वो चीज़ जो है गलत बात हो सकती है डू यू रिमेंबर द केस ऑफ ए डॉरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रीड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया दहली के एक फ्लैट में एक फैमिली रहती है जैसे सुधा जो थे उसको अपने इनलाज ने जो है जलाया फिर आपने देखा किस तरह उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया फिर उनके जो है पेरेंट्स को इंसाफ मिला आपने देखा सुधा का मर्डर हुआ सुधा को जलाया गया ये सिर्फ उस के हस्बैंड के लिए लॉस नहीं था या उसकी फैमिली के लिए लॉस नहीं था बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए क्योंकि डावरी जो है एक बिदत है जहेज तो इस वजह से ये सिर्फ एक ही औरत के लिए ये जो है गलत बात नहीं थी बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी की जो वोमेंस है उनके लिए जो है ये एक गलत बात थी एक बहुत बड़ा गुनाह था तो इस तरह से आपको रिमाइंड करते हैं प्रीवियस चैप्टर के केस के लिए द केस अगेंस्ट द एक्यूज लक्ष्मण लक्ष्मण जो था उसका पति था और उसकी फैमिली के अगेंस्ट जो है वो केस प्रेजेंट किया गया स्टेट में वो सिर्फ वहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे किसी एक बंदे के नाम से लक्ष्मण को नहीं यहाँ पे केस प्रेजेंट करते हम स्टेट के नाम से दहली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स तो दहली एडमिनिस्ट्रेशन पे जो केस था दहली एडमिनिस्ट्रेशन ने केस किया और वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे द दबो केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हैब्रम इसी तरह से शांति का केस जो है वो लडा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने इस तरह से शांति का केस है स्टेट वर्सेस शांति हैब्रम एंड नॉट मिस्टर शिंडे वर्सेस शांति हैब्रम इस तरह से इन केस को स्टडी नहीं करते इन कोर्ट इट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कोर्ट में जब हम कहते हैं तो कोर्ट में सारे लोग नहीं जाते वो केस लड़ने के लिए सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ जो जिसके ऊपर ऑफेंस होता है जो गुनाह करता है या जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसके बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उस केस को वहाँ पे ले जाता है द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेगेनज द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट उसका रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वकील का रोल कहाँ से शुरू होता है जब कोई गुनाह कोई क्राइम होता है पुलिस उसमें इन्वाल्व होती है पुलिस एक वहाँ पे एफआईआर जो है लॉज करती है एफआईआर लिखती है और इन्वेस्टिगेशन करती है सबूत इकट्ठे करती है फिर जाके केस जो है कोर्ट में प्रोवाइड करते हैं हम फिर जाके केस जो है कोर्ट में जाता है और वहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पर एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड करती है तो फिर इसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम स्टार्ट होता है ही आर शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन वकील का कोई रोल इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई भी रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस इन्वेस्टिगेशन से जो सबूत मिले हैं उनको कोर्ट को प्रोवाइड करके अपनी दलील जो है वो पेश करनी है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोजिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इस मुलम के बदले जो है स्टेट के कोर्ट में मुलम के बदले जो है वो केस जो है वो वहां पर प्रोवाइड करता है एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वो एक कोर्ट का ऑफिसर होता है इट इज हिज आर हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट विटनेस एंड एविडेंस बिफ़ोर द कोर्ट दैट द कोर्ट इनेबल टू कोर्ट टू डिसाइड द केस ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूट की ड्यूटी होती है वो एक कोर्ट का को ऑफिसर होता है इसकी ड्यूटी है पूरी तरह से अपने इसको फरज को अंजाम देना है इसको जो है तमाम मटीरियल तमाम सबूत इकट्ठे करके तमाम गवाहों को ला के कोर्ट में पेश करने हैं और कोर्ट के सामने जो है वो केस रखना है बहस होगी फिर कोर्ट की हियरिंगस होगी उसके बाद जज जो है वो डिसाइड करेगा इज गिल्टी आर हु इज कौन गिलती होगा और कौन जो है वो बेगुना होगा ये कौन ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिसाइड नहीं करता ये पुलिस डिसाइड नहीं करता इट इज द जज हुइड इट इज द जज हुईड हु इज गिली आर हु इज इनोसेंट तो ये जज डिसाइड करता है कौन गिल्टी है किसने क्राइम किया है वो सारा केस स्टडी करके फिर जो है अपना फैसला सुनाता है नाउ इट इज नेक्स्ट टॉपिक इज वट इज द रोल ऑफ जज अब हम बात करेंगे यहाँ पे जज का रोल क्या है जिस तरह से आपने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वकील का ये रोल है कि उसको पूरा केस जो है वो जज के सामने रखना है दलीलें पेश करनी है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन है उससे सबूत मिले वो पेश करने हैं लेकिन उसका कोई ये काम नहीं है कि वो जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये दैट इज़ नॉट इट नॉट अ ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू इन्वेस्टिगेट द केस केस को इन्वेस्टिगेशन करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं है ये जो है ये जज का काम है ये जो है पुलिस सॉरी पुलिस का काम है और फिर जज जो है फैसला सुनाता है अब हम देखेंगे रोल ऑफ जज क्या है द जज इज लाइक एन एम्पायर इन ए गैम एंड कंडक्ट इज दायल एम पार्शली आर इन एन ओपन कोर्ट जज एक ऐसा मेंबर होता है जैसे आप गैम देखते हो क्रिकेट गैम में एक, एक, एक एम्पायर होता है जो डिसाइड करता है ये आउट है या नहीं उसकी उंगली हिलाने से उसके इशारे करने से डिसाइड करते गैम में कौन सी चेंज जो है ये आउट है आउट दिया गया है या नहीं तो इस तरह से जज जो है जज एक एम्पायर का काम करता है उससे कोर्ट में वो ओपन कोर्ट में जज केस जो है किसी और जगह पे नहीं कर सकता तो ये ओपन कोर्ट में लोगों के सामने जज डिसाइड कर जज ही ऑज ऑल विटनेसेस एंड अदर एविडेंसेस प्रेजेंट बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस जज दोनों चीजें सुन दोनों की दलीलें सुनता है जिस पे इल्जाम लगा है उसकी भी दलील सुनता है और जिसका नुकसान हुआ है जिस पे क्राइम हुआ है उसकी भी दैट मीन्स अगेंस्ट पार्टी के बारे में भी सुनता है जो डिफेंस लॉयर होता है वो भी वहां पे दलील पेश करता है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी प्रेजेंट अपनी सारी दलीलें करता है और सारे सबूत को सारे गवाहों को मद्देनजर रख के वो फिर अपना फैसला सुनाता है द जज डिसाइड इज वेदर guilty इज innocent ऑन द basis ऑफ द एविडेंस present प्रेजेंट in accordance with विद law. जज जो है आपको क्योंकि कि जज अपनी मर्जी से फैसला सुनाएगा नहीं जज भी जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कानून बनाए हैं उनके अंडर उसको काम करना है क्योंकि जज को जो अपना फैसला सुनाना है uh, he should uh, he should decide कि he should decide the uh, accused person whether he is guilty or innocent in accordance with the law कानून के दायरे में रह के जज को फ़ैसला सुनाना है कि किस बंदे को कौन सी सज़ा दी जाएगी तमाम गवाहों को तमाम सबूतों को देख के उसे फैसला करना है कि एक्यूज पर्सन इज़ कन्विक्टड क्या उसको तय करना है कि यो एक्ड पर्सन है जिसपे चार्ज लगाई गई है जिसपे इल्ज़ाम लगाया गया है क्या वो गुनहगार है अगर वो गुनहगार है देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस सेंटेंस तो जज अपनी यहाँ पे सेंटेंस पनिशमेंट जज पे अपना जजमेंट सुनाएगा जजमेंट वेदर पर्सन इज ए गिल्टी आर इनोसेंट ही मे सेंड द पर्सन टू जेल अगर जो है पर्सन चाहे अपोजिट पार्टी का या इस पार्टी का जो पर्सन गिल्टी होगा उसको वो सजा देगा इन अकॉर्डिंग टू विद द लॉ कानून ने क्या सजा रखा होगा चोरी के लिए मर्डर के लिए वो सजा देगा एंड फिर जज डिसाइड करेगा इस बंदे को जेल भेजना है आर टू इम्पोज फाइन या इस इसपे जुर्माना आयद करना है और वो डिपेंडिंग ऑन द लॉ प्रिस्कब या इसको जुर्माना भी लगेगा और सजा भी लगेगी ये सारा डिस्क्राइब हमारे लॉ में जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बने हैं मैंशन किए गए हैं कि इस गुनाह के लिए कौन सी सजा दी जाएगी तो उस को नजर बंदे नजर रखते हुए जज जो है अपना फैसला सुनाएगा अब हम देखेंगे व्हाट इज अ फेयर ट्रायल व्हाट इज अ फेयर ट्रायल फेयर मीन्स हम कहते हैं कि एम सी गो ना फेयर के फेयर मीन्स जस्टिस होना चाहिए व्हाट इज अ फेयर ट्रायल ट्रायल यहां पे मकसद है मुकदमा ट्रायल का मतलब है मुकदमा ए वट इज अ फेयर ट्रायल एक जस्टिस जिसके साथ जिस मुकदमे के साथ हो जहाँ इंसाफ हो इंसाफ वाला फैसला वो क्या होता है चलो हम देखेंगे लेटेस्ट फॉर मोमेंट इमेजिन वट माइट है कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ चार्ज शीट एंड सेंटेंस टू दिटनेस statements ऑफ द विटनेस टू द शांति कहते हैं आप लोगों ने शांति का केस पढ़ा अच्छी तरह से पहले से हमने देखा शांति को किस तरह इल्जाम लगाए गए जेल लिया गया उसके भाई को भी फिर किस तरह उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हेल्प की और उसको जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया उसको फ्री किया तो यहाँ पे देखते हैं अगर जज वैसा फैसला नहीं सुनाते दैट मीन्स उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलता उसको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या हो जाता पहले हम इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है वो देखेंगे कहते हैं वट इफ ही डिड ही हैड He held the trial in a secret location where neither Shanti or Sushil were present. कहते हैं अगर जज फैसला करता, अपना फैसला सुनाता किसी ऐसी जगह, ओपन कोर्ट में नहीं, किसी ऐसी जगह जहाँ पे ना शांति मौजूद होती और ना उसका भाई सुशील वहाँ पे प्रेजेंट होता, what if he had given Shanti's lawyer, uh, advocate, enough time to questioning the witness of the prosecution, such as Mr. Shinde, and instead हैड ऑलरेडी डिसाइड दैट शांति वॉज गिल्टी क्या हो जाता अगर जज शांति के प्रोसिक्यूटर को लयर को वक्त नहीं देता कि क्योंकि आपने देखा किस तरह से उसने जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिस्टर शिंदे को किए कि उनने चेन कहाँ पे रखी उनके घर में कौन आता जाता था किस तरह से मिस्टर रॉय जो इंस्पेक्टर था उसके जो है सबूत उसने इन्वेस्टिगेशन को मद्दनजर रखते हुए कहते हैं अगर वो चीज़ें नहीं होती और जज जो है आँखें बंद करके ये दलीलें सुनने के बगैर ही वो भी ये समझता कि शांति के पास पैसे मिले इसका मतलब शांति ने ही चोरी की है तो क्या हो जाता इफ़ दिस हैड हैपनड अगर ये होता दैन इट वुड बी ए केस ऑफ अनफेयर ट्रायल अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है ये इंसाफ जो है अनफेयर था ये इनजस्टिस थी ये शांति के साथ सही उसकी बात नहीं सुनी गई उसकी दलील नहीं सुनी गई उनके साथ नासाफ़ी हुई तो इसका मतलब इसको हम फेयर ट्रायल नहीं कहेंगे इट वॉज एन अनफेयर ट्रायल दिस इज़ बेकार फॉर अ ट्रायल टू बी ए फेयर several different procedures have to be observed article 21 of the constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and a just legal procedure ए फियर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशन इज अप हैल्ड लेट इस नाउ रिटर्न टू शांतिबड इन द स्टोरी बोल एंड आइडेंटिफाई दसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फीयर ट्रायल कहते हैं फियर ट्रायल जो है हर किसी बंदे को हक है राइट right मिला है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है राइट right दिया है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो है हमें कहता है कि आर्टिकल 21 में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देती है राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ परसन लाइफ और लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन एक इंसान की आज़ादी उसकी जो है आज़ादी हमें नहीं छीननी है जब तक न उसके लिए कोई रीजनेबल जो है या उसने कोई गुनाह किया जब तक न हमें पूरी तरह से ये यकीन हो जाए हमारे सारे सबूत उसके खिलाफ हो जाए तो कहते हैं हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हर बंदे को हक देती है जीने का आज़ादी का तो इस तरह से अगर कोई हमें लगे कि गुनाह किया है, हमें लीगल प्रोसीजर के तहत हमें उसको जो है वो ट्रायल सुनानी चाहिए तो आर्टिकल ट्वेंटी वन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें कहती है कि शांति जो है उसने हमने देखा कि उसने किस तरह से अपने केस को उससे पहले अनफेयर ट्रायल हुआ था उसके भाई को अरेस्ट किया उसके लेकिन कोर्ट जो है कोर्ट ने उसको फेयर ट्रायल दिया उस की सज़ा जो है वो खत्म की और उस पर कोई जुर्माना नहीं आय किया गया उसको आज़ाद छोड़ा गया तो कहते हैं यहां देखिए आपको हमने शांति का केस जो है वो देखा क्या हियर और मैं केस पेपर्स से वकील साहबा को कहती है केस पेपर्स मेरे हैं मुझे गलती से मुझ पर इल्जाम लगाए गए कि मैंने अपने जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पर मैंने गोल्डन चेन जो है वो चुराई है और मेरी ट्रैक ट्रक में दस हजार पैसे थे जो हम दोनों भाई बहन ने मिल के जमा किए थे तो उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है यह आपने चेन बेच के जो है वो है वो लाया है लेकिन ऐसी बात नहीं है मैम हमने ये पैसा जमा किया है हम दोनों भाई बहन ने बहुत एक दो साल से पैसे जमा किए हैं तो इस तरह से देखो सो वट यू आर बेसिकली सेंग दे दैट यू डिड नॉट सी इन शांति स्टील द चैन यहाँ पे वकील साहब है इसको क्वेश्चन करती है क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि आपने शांति को चोरी करते हुए नॉ डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति ना आपको शांति के बैग में से या ट्रंक में से चैन मिली ऑल्सो इन द थ्री ईयर्स डैट शी हैज़ वर्कड फॉर यू तीन साल तक वो आपके घर में काम कर रही थी नथिंग हैज़ बिन स्टोर्न कोई चीज़ आपके घर में चोरी नहीं हुई यू वे आर आल्सो रेगुलरली पेइंग हर थाउजेंड एज अ सेल ईच मंथ आप सिर्फ उसको एक हज़ार रुपया माहाना तनख्वाह देती हो तो ये क्रास क्वेश्चन जो है ये वकील साहिबा ने मिसी शिंदे को किए तो इस तरह से केस जो है ये पूरा सा केस जो है पलट गया जो शांति के खिलाफ था अब शांति को इंसाफ की उम्मीद है इंसाफ मिलने लगी फर्स्टली शांति गिवन ए कॉपी ऑफ चार्ज शीट एंड ऑल अदर एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट अगेंस्ट हर शांति को बाब्ता चार्ज शीट दिया गया और तमाम जो प्रोसिक्यूशन में वकील दिया गया उसको वकील दिया गया तो शांति पे जो चार्ज थी उसने चोरी की है वो एक क्रिमिनल लॉ में उसको एक चोर ठहराया गया लेकिन जब ट्रायल लगी द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट ट्रायल कहीं अलग जगह पे नहीं ओपन कोर्ट में हुई तो इन द पब्लिक व्यू लोगों के सामने हर ब्रदर सुशील कोर्ट अटेंड द कोर्ट हियरिंग उसके भाई सुशील ने भी कोर्ट हियरिंग जितनी देर तक शांति रही कोर्ट हियरिंग को अटेंड किया ये किसी के दबाव में आके एक फैसला जज ने नहीं सुनाया द ट्रायल वॉज हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज दोनों भाई बहन वहाँ थे शांति वॉज डिफेंड बाय लायर शांति को एक वकील दिया बाबा वकील दिया गया तो इस तरह से एडवोकेट रॉय जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग की प्रोसिक्यूशन की विटनेस को तो इस तरह से एडवोकेट रॉय वॉज गिवेन एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट विटनेस इन शांति इज डिफेंस और शांति के डिफेंस में रॉय ने जो है इस तरह से जो रॉय मिस ये रॉय थी वकील साहबा जो थी इस तरह से शांति को अगेंस्ट में डिफेंस में बोलने की इजाज़त दी गई तो इस तरह से हम देख रहे हैं शांति पे जो इल्ज़ाम लगे थे कि स्टोरी के तो जज ने देखा कि शांति जो है ही इज़ एन इनोसेंट क्योंकि आपने देखा पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल था पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जिसमें से इनकी चैन जो है वो भी मिली तो इस से हमें यह पता चलता है दैट इट वॉज द रेस्पॉन्सबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बी ऑन्ड रीजनेबल डाउट ऑफ शांति गिल्टी इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन फेलियर टू डू सो ये प्रोसिक्यूशन की वकील की जिम्मेवारी होती है उसकी ड्यूटी होती है कि किस तरह से वो एक बेगुनाह एक जो जिसने गुनाह नहीं किया था उसको गुनहगार ठहराया गया था तो किस तरह से उसने उसको बचाया तो इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि लास्ट में ये जो है डिसाइड जज करता है जब जज के सामने एविडेंस को रखा जाता है तो जज डिसाइड करता है कि जज को केस स्टडी करके जब नहीं मानना है कि, कि इस कंक्लूजन पर कि शांति जो है यही चोर है नहीं जज ने दोनों की दलीलें सुनी इस नतीजे पे पहुंचा शांति वरना गरीब थी ये जज को नहीं सोचने कि गरीब है शायद इसने चोरी की होगी नहीं जज को जो है अंडर द लॉ उसको अकॉर्डेंस विद लॉ देखना है कि ये जो है उसको इम्पार्शल रहना है जब तक न वो पूरा केस जो है वो सुने तो उसने देखा कि शांति जो है वो गिलेटी नहीं है शांति इज एन इनोसेंट शांति जो है उसको फ्री किया जाए शांति सेट फ्री एंड शांति इस केस जस्टिस वाज फाइनली डन ऑन हर बिकॉज शी वाज गिवन ए फेयर ट्रायल उसको इसलिए इंसाफ मिला क्योंकि उसका जो ट्रायल था उसका जो गुनाह था ये जो है एक फेयर ट्रायल इसको जस्टिस मिली आ, तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट right देती है एंड हमारा कानून जो बोथ ऑफ स्टेट दैट ऑल दैट वी हैव डिस्कसड इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल इन प्रॉपर मैनर तो इस तरह से हम देख रहे हैं तमाम सिटीजन चाहे मैन हो वमेन हो चाहे गरीब हो या अमीर हो चाहे डिफरेंट कास्टस के हो जेंडर बेस पे या रिलीजन डिफरेंट रिलीजन के आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंडस हो उनको हमें फेयर ट्रायल जो है वो उनका हक है दे फेयर ट्रायल बी गिवन टू द एक्यूज द लॉ द रूल ऑफ लॉ विच सीज दैट एवरी वन इज इक्वल बिफोर ला वुड नॉट मेक माई सेंस इफ एवरी सिटीजन वाई आय गेंटीड ए फेयर ट्रायल बाई द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ है दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ वो तब तक नहीं है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ना हर इंसान को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को हर शहरी को गारंटी देता है कि उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए अगर वो कभी किसी मुसीबत में फंसता है उसको फेयर ट्रायल, ट्रायल मिलना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है तो एवरीबडी शुड बी गिवन ए फेयर ट्रायल एंड एवरी बडी हैज़ ए राइट टू लिव टू लिव फ्री एवरीबडी हैज़ राइट टू लिबर्टी एवरीबडी हैज़ ए राइट टू फ्रीडम तो इस तरह से शांति का केस जो है उसको फिर ट्रायल मिला जस्टिस मिला तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट किया है तो कल इन हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे हैव ए नाइस डे स्टेबलाइस थैंक यू